तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होंगे। और क्रैश कोर्स के डे थ्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का चैप्टर मैं कथन के साथ शुरू करने के लिए जा रहा हूं। कथन ये है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन जिंदगी में कभी रुको मत। ये बहुत ही फेमस कथन है और ये किसी और के द्वारा नहीं कहा गया है बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है सो कहा गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स जो है सो पढ़ रहे हैं और क्रैश कोर्स का ये तीसरा दिन है, डे थर्ड है आज। और डे फर्स्ट में मैं स्विचेस लगाई, जो नॉट को पूरा खत्म किया था अच्छे से एक्सप्लेन कर करके। डे टू में नरेशन को हम लोग पढ़े थे, जिस नरेशन में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के पहले रूल को जाने थे। और आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में हम लोग आई हैव अ ड्रीम को पढ़ेंगे। और आपको मालूम होनी चाहिए कि एक दिन हम लोग बुक पढ़ेंगे, एक दिन ग्रामर पढ़ेंगे। आज आप लोग आई हैव अ ड्रीम पढ़ रहे हैं, तो कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो होगा ग्रामर का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को जब लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है और मन करता चलो भाई इस फ्रेंड के लिए वीडियो बनाया जाए। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। और एक और बात आपसे कहनी थी कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं नोट्स के लिए। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं 100 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी के लिए। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और आपको खरीद ही लेनी चाहिए, आपको मैं बता चुका हूं क्यों खरीदनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्विचेस लगाई डिनोर को देख लीजिए, उसे बता चुका हूं क्यों पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर इसे आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8083216409 पे कर सकते हैं। और इसी नंबर पे आपको पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के जरिए से पेमेंट करना है और आपको पीडीएफ जैसो मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो बहुत ही कह सकते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब से आपका सिलेबस पैटर्न जो बदला है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो हुआ है, तब से आई हैव अ ड्रीम से हर साल एक नए क्वेश्चन जो है सो पूछा ही गया है। और इसके अगर समरी की बात करेंगे तो हर एक साल गैप करके या किसी किसी साल तो लगातार जो सो पूछ दिया गया हुआ, तो बहुत ही एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा गया हुआ किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, एकदम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो लिखा गया हुआ है। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग जो है सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानेंगे। और आज का वीडियो हो सकता है तो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं सोचता हूं कि बहुत डीपली बच्चे को पढ़ाऊं ताकि अच्छे से वो नॉलेज ले सके। सिर्फ चैप्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जिस बंदे के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसके द्वारा ये भाषण दी गई है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो भी विश्वविख्यात व्यक्ति है, पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। और अपने जमाने में सबसे कम उम्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है सो नोबेल प्राइज मिला था, सिर्फ और सिर्फ 35 साल की एज में। अगर अब के दौर की बात करेंगे तो अब जो है सो ये मलाला यूसुफजई को जो सो मिला है 16 या 17 साल की एज में, जो है ना, जो पाकिस्तान के भी कुछ दिन पहले ही मिला है। लेकिन उस जमाने में सबसे कम उम्र में जो है मार्टिन लूथर किंग जो है सो नोबेल प्राइज जीतने वाले बंदे बने थे। तो चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं मार्टिन लूथर किंग के बायोग्राफी से, क्योंकि मालूम होनी चाहिए बायोग्राफी से बहुत ही सारा क्वेश्चन जो सो पूछा जाता है। तो इसलिए चलिए पहले बायोग्राफी को जानते हैं और उसके बाद जो हम लोग ये जानेंगे वो किसको जानना है, चैप्टर को समझेंगे, समरी को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके जन्म से, यानी कि इसका जन्म कब हुआ। तो बात याद रखिए, इनका जन्म जो है सो 15 जनवरी 1929 ईस्वी को जो है सो इनका जन्म हुआ था, है ना, 15 जनवरी 1929 ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? अटलांटा, एक ही नहीं, अटलांटा एक जगह का नाम है जो पड़ता है कहाँ? जॉर्जिया में, है ना, जॉर्जिया में पड़ता है। और ये जॉर्जिया कहाँ है तो आपको मालूम होनी चाहिए यूएस में है ना, अमेरिका में है। तो इसी जगह पे 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया में इनका जो है सो जन्म हुआ था। अब चलिए, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो पूरा परिवार ही बैप्टिस्ट था, है कि नहीं,
पूरा परिवार। अब बैप्टिस्ट का मतलब क्या होता है, तो बैप्टिज्म जिसको कहिए बैप्टिस्ट कहिए, यानी कि बैप्टिज्म का मतलब समझिए, बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है, और इसी से की चैप्टर आपको समझ में थोड़ा आएगा अच्छे से जो है ना बैप्टिज्म क्या होता है। तो बैप्टिज्म जो है ना, यानी कि चर्च का अगर कोई सदस्य बनता है, मेंबर बनता है और उसका जल अभिषेक जो किया जाता है तो उसको हम लोग बैप्टिज्म कहते हैं। यानी कि कोई मेंबर, कोई बंदा है ये क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, और वो चर्च में जाता है और वहां पे हमेशा इबादत पाठ पूजा जो भी करना हो, और वहां पे वो रेगुलर मेंबर बन जाता है। जब चर्च वाले की तरफ से जो है ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है और वहां का वो रेगुलर मेंबर बन जाता है, तो उसका जल अभिषेक किया जाता है। जैसे कि होता है ना कि कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो ओथ लेते हैं, पहले राजा बनता था, राज्य अभिषेक हुआ करता था, तो उसी तरह से जब कोई रेगुलर मेंबर बनता है तो एक प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है जहां पर उसका जल अभिषेक किया जाता है और वो बैप्टिज्म जो है सो कहलाना शुरू हो जाता है, वो बैप्टिज्म जो है बन जाता है। तो इसका पूरा घराना बहुत ही ज्यादा धार्मिक था, मार्टिन लूथर का कहिए, मार्टिन लूथर की दुनिया का पूरा घराना, इसके माता की बात कहेंगे, पिता की बात कहेंगे, तो सबको धर्म पे बहुत ही ज्यादा कहिएगा तो विश्वास था। और ये नहीं कि मार्टिन लूथर की बैप्टिज्म नहीं थे, ये भी बैप्टिज्म थे, लेकिन ये भी बन चुके थे, लेकिन इनका कहना था कि गॉड तो है, ये मुझे मालूम है गॉड है, ईश्वर अल्लाह भगवान है, लेकिन गॉड मंदिरों में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, बल्कि अगर गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, तो वो दिल में है। और इसीलिए उसको पिटाई बहुत पड़ती थी। इसके पिताजी जो थे, इसके पिता का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर, है कि नहीं, सीनियर इसके पिताजी का नाम था। तो पिताजी जो है इसको बहुत ज्यादा पीटते भी थे कि तुमको मैं कहता हूं कि चर्च जाओ, वहां पे इबादत करो, पूजा पाठ करो, और तुम कहते हो गॉड मंदिर में नहीं होती है, गॉड चर्च में नहीं होती है, गॉड मूर्तियों में नहीं होती, बल्कि गॉड दिल में होता है, कि नहीं। वो उनका जो है सो ऐसा कहना था, इसलिए बहुत पिटाई भी पड़ती थी, और बचपन में बहुत ज्यादा जो है इनको इनके पिताजी से पिटाई जो सो पड़ती थी। तो बैप्टिज्म थे ये बहुत ज्यादा जो है, आगे बात याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इसको ऑरेटर शक्ति थी, बोलने की जो पावर थी ना, वैसी पावर थी कि शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिसको बचपन से ये एबिलिटी जो है सो मिली हो। बहुत ही जोरदार ऑरेटर थे, बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे, और बहुत ही कम एज से जो है ना ये अपने ग्रुप का लीडिंग करते थे, है कि नहीं। डिबेट्स क्लास में भाई अपने तरफ से जो बोलना ना ऐसा बोलते थे कि सामने वाले को जो है ना एकदम हालत खराब कर देते थे, यही नहीं अपने टीचर के सामने भी ऐसा बोलते थे कि टीचर की भी हालत खराब कर देते थे। तो माना यह जाता है कि मार्टिन लूथर किंग को जो बचपन से ही एक गॉड गिफ्ट जो कहते हैं, वो बोलने की पावर, बोलने की क्षमता, बोलने की एबिलिटी जो है सो आई हुई है। तो बोलने बहुत इसको महारत हासिल है। अब चलिएगा, समझिएगा, जानिएगा, बोलने की एबिलिटी थी, और यही वजह थी कि अमेरिकी सरकार को जो है मार्टिन लूथर किंग के आगे झुकना पड़ा। अगर ये एबिलिटी नहीं होती मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आगे, तो शायद आज भी अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का जो सो भेदभाव होता ही, लेकिन मार्टिन लूथर किंग की वजह से जो अमेरिका में आज थोड़ा भी व्हाइट और ब्लैक का जो है सो भेदभाव नहीं है, लेकिन बदमाश बहुत ज्यादा थे, इतनी बहुत ज्यादा नटखट थे, बहुत ज्यादा जो है सो बदमाश थे। जब इनकी एज 12 साल होती है ना, किसकी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की 12 साल एज होती है, तो होता क्या है कि ये तीन भाई बहन थे, तीन भाई बहन से बिछड़े दूसरे पे थे, तो उसके माता और पिता जो है अपने भाई बहन के साथ कहीं जाने लगे, और घर में जो है मैटरनल अंकल मौजूद थे, मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि नानी माँ घर में जो है सो मौजूद थी। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को उसके पिताजी और माताजी छोड़ करके जाते हैं और कहते हैं इसकी पूरी जिम्मेदारियां तुम पे है, नानी जी का अच्छे से ख्याल रखना, ग्रैंड मदर का अच्छे से ख्याल रखना। और मार्टिन लूथर किंग बहुत बदमाश थे, बहुत ही नटखट थे, सिर्फ इसको मौके की तलाश थी, कैसे मौका मिले और वो फरार हो जाए। इधर इसके पिताजी कहीं जाते हैं और साथ में माताजी और भाई बहन जो हो जाते हैं। अब ये सामने के घर के सामने एक परेड चल रहा था और अपनी नानी माँ को अकेले ये छोड़ करके मार्टिन लूथर किंग वहां चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं कुछ देर बाद, बहुत देर बाद जब वहां से लौटते हैं, तो देखते हैं कि उसकी नानी माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। जब उसकी नानी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो मार्टिन लूथर किंग अपने आप को सोचते हैं कि इसका दोषी मैं हूं, मेरी वजह से मेरी नानी माँ की मृत्यु हुई है, और वो फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा देते हैं आत्महत्या करने के इरादे से। हालांकि बच जाते हैं, ईश्वर को भी गवारा नहीं था कि मार्टिन को इतना जल्दी उठा ले, क्योंकि काले को यानी कि ब्लैक लोगों को, नेग्रोस को जो आजादी
दिलाना था। फिर उसके माता पिता समझाते कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है एकनी, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ एकनी, जो एक घटना थी जो होना था वो हो गया। लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है, कई दिन तक इसके डिप्रेशन में वो रहते हैं कि आखिरकार मैंने कौन ऐसी गलती कर दी। आप एक किताब में दूसरे ही लाइन में जो यूज किया गया हुआ है मॉन्टगोमेरी बस घटना का, मॉन्टगोमेरी बस का जैसे बहिष्कार जो किया गया था उसके बारे में डिस्कस किया गया हुआ। तो ये मॉन्टगोमेरी बस बायोकार्ड क्या है इसके बारे में अभी हम लोग जैसो अच्छे से समझेंगे जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो कौन सी घटना का जिक्र किया गया हुआ है, मॉन्टगोमेरी है कि नहीं। तो मॉन्टगोमेरी बस बायोकार्ड के बारे में अभी हम लोग जैसो जानेंगे। आप किताब के दूसरे ही लाइन में इसके बारे में डिस्कस जैसो किया गया हुआ है। तो देखिए मॉन्टगोमेरी बस की घटना से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत ही ज्यादा भेदभाव था और ब्लैक को कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है, बस में सफर नहीं कर सकता है, वो वोट नहीं डाल सकता है, अगर उस पर कोई अत्याचार करता तो वो केस दर्ज नहीं कर सकता, यानी कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। जैसे एक जानवर के साथ व्यवहार किया जाता है, जानवर पर अत्याचार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्हाइट के द्वारा ब्लैक पे जैसो किया जा रहा है। और साथ ही जो ज्यादा अत्याचार होता था अल्बामा के, ये अमेरिका के सॉर्थन एरिया में एक जगह है, एक राज है, राज का नाम है अल्बामा। इस अल्बामा में बहुत ही ज्यादा जो अत्याचार होता था ब्लैक पे। इसकी वजह ये थी कि अल्बामा में जो है ना ज्यादातर एरिया में ज्यादातर क्षेत्रों में जो है ना कॉटन की खेती होती थी, और कॉटन की खेती करना बड़ा मुश्किल काम होता था क्योंकि इसमें लोगों की सांस बंद हो जाती थी, मौत भी हो जाती थी, और उसमें मशीन का आविष्कार हुआ नहीं था। तो ये व्हाइट बहुत होशियार होते थे और व्हाइट जो है अफ्रीका के क्षेत्रों से, अफ्रीका से जो है ना ब्लैक को बुला करके जो है ना वो ये खेती काम करवाते थे और उसकी मजदूरी भी नहीं देते थे। जब मजदूरी वहां के ब्लैक लोग मांगते थे कि भाई मुझे मजदूरी दो, तो जंगली कुत्ते को छोड़ दिया जाता था, कुत्ता उसको मार के खा जाता था। यही नहीं बल्कि वो जो ब्लैक लोग है उसको जो है जब पैसा मांगते वो लोग ब्लैक लोग, तो व्हाइट उसको मारते यहां तक कि मार दिया था, उसको मार ही देता था। यही नहीं कभी अगर कोई पैसा देता भी तो वो चेक के रूप में देता, कहता कि जाओ बैंक से पैसा निकाल लेना, लेकिन वो चेक रहता ब्लैंक चेक रहता। वो जब बैंक में पहुंचता पैसा लेने के लिए तो जो वहां पे व्हाइट पीपल रहता वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता। अगर आप बस में सफर कर रहे ब्लैक हैं, सीट आपको मिलेगा, अगर सीट खाली है आप बैठ गए, लेकिन अगर अगले बस स्टॉप पे अगर कोई व्हाइट पीपल आता है तो आपको सीट खाली करना होगा और उठना होगा, अन्यथा अगर आप नहीं उठे तो उस व्हाइट पीपल के पास ये अधिकार है कि वो आप पे केस कर दे और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ जाए और शायद फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इस तरह से एक ब्लैक पे जो अत्याचार हो रहा था अमेरिका में। तो बस की घटना क्या है, मॉन्टगोमेरी की घटना क्या है, इसमें चल रहा था 1955 और 1955 ईस्वी में ही मार्टिन लूथर किंग जो पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। तो इसमें था 1955 जो है, तो होता क्या है कि 1955 ईस्वी में मॉन्टगोमेरी में ही मार्टिन लूथर किंग बस में सफर कर रहे थे और एक कॉलेज गर्ल थी कॉलेज की लड़की थी, वो भी जो बैठी हुई थी और वो ब्लैक थी। अगले बस स्टॉप पे एक व्हाइट आते हैं और उस ब्लैक लड़की को जो वहां पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सीट खाली करो मुझे बैठना है, लेकिन वो लड़की कहती मैं खड़ी नहीं होंगी, है ना। और वहां पे बहुत बहस होता है लेकिन व्हाइट साइड शरीफ रहा होगा, वो कुछ एक्शन नहीं लेता है। मार्टिन लूथर किंग इस फिराक में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि अमरीकी सरकार पे हमला जो सो बोल दे, वो मौका आ नहीं रहा था। और ये 1955 में घटना घटती है जनवरी के महीने में। इसके नौ महीने के बाद एक ऐसी घटना घटती जिसका नाम दिया जाता है मॉन्टगोमेरी बस बायोकार्ड जो है, ये घटना का नाम ही पड़ जाता है। बस का बहुत बहिष्कार होता है और बहुत ही लंबा आंदोलन चलता है। दरअसल होता क्या है कि जो खेती करते थे कॉटन की जो खेती होती थी, तो अल्बामा में यानी मॉन्टगोमेरी में ही जो है ना मॉन्टगोमेरी में बहुत सारे लोग जो खेती करके शाम को घर वापस लौट रहे थे, तो बहुत सारे ब्लैक लोग जो बस में बैठे हुए थे उस बहुत सारे लोगों में से एक लेडी भी थी। लेडी का नाम था रोजा पार्क, है कि नहीं, लेडी का नाम था रोजा पार्क। रोजा पार्क भी बैठी हुई थी, बहुत थकी हुई थी, भर दिन काम करना, खाना वगैरह मिलता नहीं था। रोजा पार्क बस में बैठी हुई थी, अगले बस स्टॉप पे जो है एक व्हाइट पीपल आता है और रोजा पार्क से कहता कि चलो खड़े हो सीट खाली करो,
रोजा पर कहती मैं सीट नहीं छोड़ूंगी, ना मैं बहुत थकी हुई हूं, मैं सीट नहीं छोड़ूंगी, तुमको जो करना है कर लो। बहुत बार कहता ये वाइट पल जो है उस रोजा पार्क से कि सीट को खाली करो, लेकिन रोजा पार्क सीट नहीं खाली करती है। और होता क्या है कि वो वाइफ जो है रोजा पार्क पे केस कर देती है, इनको जेल जाना पड़ता है। और ये खबर पहुंच जाती किसके पास, मार्टिन लूथर किंग के पास। जैसे ही मार्टिन लूथर किंग के पास खबर पहुंचती है तो मार्टिन लूथर किंग कहते छोड़ दो आप, है ना, छोड़ दो आंदोलन, सरकार के खिलाफ यही मौका है, और जो हमको अधिकार नहीं मिल रहा है वो अधिकार अब लेकर के रहना है। और शुरू कर देते हैं, मार्टिन लूथर किंग बोलने की एबिलिटी तो थी, एकदम जनता को इकट्ठा करते जो ब्लैक पीपल सब थे, और आंदोलन शुरू कर देते हैं, बस का बहिष्कार कर देते कि बस का हमको इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि हमको पूरा अधिकार नहीं मिल जाए जो अधिकार व्हाइट को मिला हुआ है। और ये आंदोलन टोटल 385 दिन तक जो है सो चलता है। और ऐसा आंदोलन था कि अमरीकी सरकार को झुकना पड़ता है, और जो अधिकार व्हाइट को दिया जाता था वही अधिकार जो सो ब्लैक को मिल जाता है। और इस तरह से एक जीत हो जाती है, पहली जीत हो जाती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। और यही से जो है ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर बन जाते हैं, और जो भी ब्लैक का एक लीडिंग का एक होते हैं ना लीडिंग पर्सन, वो लीडिंग पर्सन बन जाते हैं। कभी भी कोई एक्शन लेना हो, कोई आंदोलन शुरू करना हो तो मार्टिन 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 सिर्फ और सिर्फ मार्टिन। तो ऐसे एक ऑरेटर थे, इतना जोरदार आंदोलन चलाए थे। आंदोलन के दौरान इन पे घर पे हमला किया गया, मार्टिन लूथर किंग पे हमला किया गया, कोई छुरी भी घोंप दिया गया था इसके सीने में। आखिरकार अंत में इसकी मृत्यु भी होती है, तो मृत्यु भी हत्या ही किया जाता है, ऐसा सिनेरियो भी इसका हो जाता है। कोई बंदा गोली मार देता है जब ये मेम्फिस में जो टेनिसी में पड़ता है, जब वहां पे होटल के बालकनी में थे तो वहां पे इनको गोली जो है सो मार दिया जाता है। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए ये जो है सो आजादी दिलाए एक ब्लैक पेपर को। और इसी पे ये चैप्टर है आई आधारित है, आई हैव ए ड्रीम। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके मृत्यु के बारे में कि इसकी मृत्यु जो है सो कब हुई और कहां हुई। तो अभी मैं बता ही चुका हूं कहां हुई थी, मेम्फिस में जो है सो हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1968 को, यानी 4 अप्रैल 1968 को जो है सो इनकी मृत्यु के बहुत ही कम एज में, ना सिर्फ और सिर्फ 38 या 39 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। मेम्फिस, याद रखिएगा जगह का नाम है ना मेम्फिस, जो कहां पड़ता है, टेनिसी में पड़ता है कि नहीं। और ये मेम्फिस जो है सो मेम्फिस जो है टेनिसी में ये पड़ता है ना, टेनिसी में पड़ता है, टेनिसी एक जगह का नाम है, शहर का नाम टेनिसी में पड़ता है। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु जो है सो हो जाती है। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज मिलता है, पीस के लिए नोबेल प्राइज मिलता है 1964 ईस्वी में जो है इनको नोबेल प्राइज मिलता है। और उस समय दुनिया के पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है सो नोबेल प्राइज पाने वाले ये बन जाते हैं। और बहुत सारी किताबें लिखे, जो किताब ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग बाय कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे इसको खरीद चुके हैं, हजारों बच्चे खरीद चुके हैं, आप भी वो पीडीएफ जो है खरीद लीजिए। तो इस तरह से जो है सो इसका एक शॉर्ट बायोग्राफी जो है था इनका। और इनकी मृत्यु जो है सो हो जाती है, आप बताई थी 4 अप्रैल को जो है। अब चलिए हम लोग आते हैं कहां पे, चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम, है कि नहीं। तो आई हैव अ ड्रीम को समझते हैं कि आई हैव अ ड्रीम में उन्होंने क्या कहा है और क्या बातें लिखी है इसमें, वो कौन से भाषण दिए थे, तो इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये भाषण जो है एक, ये आपको आई हैव अ ड्रीम जो है ना एक स्पीच है ना, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आई हैव अ ड्रीम इज, तो आपको टिक लगाना है, स्पीच पे टिक लगाना है। तो दिन ये था 28 अगस्त, है कि नहीं, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में, है कि नहीं, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी एक हॉल है, लिंकन मेमोरियल, अब्राहम लिंकन मेमोरियल है कि नहीं, अब्राहम लिंकन मेमोरियल। तो इसी अब्राहम लिंकन मेमोरियल में है कि नहीं, या फिर इसको लिंकन मेमोरियल कह सकते हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल में जो है ना सो ये अपने के स्पीच दिए थे। बात याद रखिएगा 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में, है कि नहीं, वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में ये एक स्पीच दिए थे। उसी स्पीच के कुछ अंश को आपके बुक में दे दिया गया, और जिसका हेडिंग दिया गया, जिसका नाम दिया गया, वो आई हैव ए ड्रीम। तो इस आई हैव अ ड्रीम में क्या कहते हैं, मेरा एक सपना है, और सपना क्या है, उन सपने को हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। और इस स्पीच में, इस भाषण में जो है, यानी कि लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में, ज्यादातर लोग जो पहुंचते हैं वो कहां से पहुंचते हैं,
अलबामा से पहुंचते हैं, जो अमेरिका का एक राज्य अलबामा से पहुंचते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्लैक लोग जो कहां रहते हैं अलबामा में ही रहते थे, इसलिए अलबामा से ही लगभग 90% लोग जो है वाशिंगटन डीसी में जो है पहुंचे हुए थे मार्टिन लूथर किंग के स्पीच को सुनने के लिए। तो स्पीच वो शुरू करते हैं कहां से, हम लोग आ चुके चैप्टर पे, समझिएगा। वो कहते हैं आज से 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले जो है एक हमारे देश के महान राष्ट्रपति जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने आया और इमांसिपेशन प्रोक्लेमनेशन पे सिग्नेचर कर दिया, शायद कर दिया। और ये प्रोक्लेमनेशन है कि ये इमांसिपेशन प्रोक्लेमनेशन घोषणा पत्र होता है, और वो कहते हैं कि ये प्रोक्लेमनेशन जो है ना, जितने भी निग्रोज है, निग्रोज का मतलब काले लोग, जितने भी ब्लैक लोग हैं, जितने भी निग्रोज है, उनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। यानी कि अब्राहम लिंकन जो थे वो प्रोक्लेमनेशन पे वो साइन कर दिए, और उनका ये कहना था कि भाई अब जो है ब्लैक को भी अधिकार जो है सो दिया जाएगा, जो अधिकार व्हाइट को मिलता है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि लेकिन आज 100 साल बाद भी हमको वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो ब्लैक पीपल को अधिकार मिल रहा है। तो हमको आंदोलन चलाना है, आंदोलन को जारी रखना है, आंदोलन को रोकना नहीं है, और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमको पूरा अधिकार न मिल जाए। लेकिन आंदोलन जारी रखने के दौरान एक ख्याल रखना है कि हमको जो है हिंसा नहीं, हिंसक रूप नहीं अपनाना है, बल्कि अहिंसा के रास्ते पे चलना है। उसकी वजह यह थी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। वो भारत में आकर के 6 महीना रुक करके महात्मा गांधी के बारे में स्टडी करते हैं, महात्मा गांधी के किताबों को पढ़ते हैं, और उसके बाद जाके अमेरिका में जो इस आंदोलन को शुरू करने के लिए और अमेरिका को आजादी दिलाते हैं। तो महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, और आप कल्पना कर सकते हैं जो महात्मा गांधी से सीखे वो अमेरिका को बदल करके रख दिए। और महात्मा गांधी तो हमारे देश के ही नागरिक है, हमारे देश में जिसको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, तो उस देश का क्या हाल होनी चाहिए आप इसे कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बहुत ज्यादा धर्म पात जाति सब कुछ का भेदभाव भी देखने को मिलता है। बड़ा अजीब सा सिचुएशन लगता है ये देख करके, कितना यहाँ पे भेदभाव है, इस भेदभाव खत्म करनी चाहिए। अगर कोई डोम है तो कहेगा भाई, बड़े आदमी यादव वाला कहेगा कि भाई हम उसका सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आए है कि नहीं, वो वहां नहीं है। बड़े अजीब चीज है भाई, वो भी एक इंसान है, वो भी एक जाति है, उससे इतना तुम नफरत क्यों करते हो, भेदभाव क्यों करते हो। देखिएगा, नफरत तो करते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आएगा, छठ पूजा आएगा, या घर में जो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहते हैं, छींटा हो या फिर ये सूप होता है, सूप हो, वो तो सब कुछ डोम के द्वारा बनाया गया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहते हैं भाई उसको दरवाजे पे मत आने दो, उसकी चीज का इस्तेमाल मत करो। बड़ी अजीब सी चीज लगता है, ये भेदभाव बहुत ज्यादा है, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। जब तक भेदभाव खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है ना देश आर्य जैसा, सबका स्किन एक जैसा है, तो फिर भेदभाव क्यों भाई। तो ये भेदभाव खत्म कीजिए, जो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जैसे भेदभाव खत्म करने की कोशिश जैसे किए, तो उनका कहना है कि 100 साल बाद भी हमको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो अधिकार हमको मिलनी चाहिए, इसलिए आंदोलन को जारी रखना है तब तक जब तक कि हमको पूरा अधिकार ना मिल जाए। लेकिन इस आंदोलन में एक बात का ख्याल रखना है, वो बात यह है कि हिंसक रूप नहीं अपनाना है, बल्कि अहिंसा के रास्ते पे चलना है, आगजनी नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। अगर तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, तो हमारे देश का नुकसान फिर हम कैसी मांग कर रहे हैं, अगर हम अपने देश का हम खुद नुकसान कर रहे हैं, तो अपने देश का नुकसान नहीं होनी चाहिए आंदोलन के वक्त जो है। ये बातें वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि आज भी नेग्रोज को घेटूज में रहना पड़ रहा है, यानी गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है, उनका आज भी मजाक उड़ाया जाता है, ब्लैक चेक दिया जाता है वहां पर उसको, जिससे मजाक उड़ाया जाता है, और आज भी नेग्रोज को कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है, वो अपनी पहली इतनी स्पीच में जो है सो वो बोलते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि इन सब मुश्किल परिस्थितियों के बीच मेरा कुछ सपना है जो आपके बीच मैं रखना चाहता हूं, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। और यहाँ पे 3-4 सपना जो है सो बोलते हैं। अब कौन कौन सा सपना है वो सपना थोड़ा सुनिएगा, जानिएगा। यही एक ये जो सपना बताते हैं, जो पूरा सपना उनका पूरा हो जाता है, और यही सपना यानी कि इस स्पीच को 4 चांद लगा देते हैं और एक ऐतिहासिक स्पीच जो है सो बना देते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को उसके सपने को भी सुनाता हूं। पहला सपना है कि मेरा सपना है कि किसी दिन यह राष्ट्र जाग उठेगा, है कि नहीं, और अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। ये इनका पहला सपना था कि ये जो राष्ट्र है यानी कि अमेरिका जो है कि नहीं, ये जाग उठेगा और अमेरिका का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अमेरिकी या अमेरिका वाले जो है सो पालन करेगा, जो शायद
पूरा हो चुका है इनका सपना। तो इनका ये पहला सपना था कि अमेरिका जाग उठेगा और अपने सिद्धांत का जो क्या करेगा, पालन करेगा, इनका पहला सपना। चलिए दूसरे सपने के बारे में हम लोग जानते हैं कि दूसरा सपना क्या है। तो दूसरा सपना ये था, उनका कहना था कि जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है, क्योंकि जॉर्जिया जगह का नाम है जहां पे इनका जन्म ही हुआ, अटलांटा जॉर्जिया, आप लोगों को लिखाई दी बताई दिए। तो जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है कि नहीं, वहां पे भूतपूर्व गुलाम के बेटे है कि नहीं, भूतपूर्व गुलाम के बेटे या बेटिया, फिर या फिर ये गुलाम भूतपूर्व मालिक के बेटे या बेटिया, वो एक साथ उस पहाड़ियों पे मेज पे एक साथ जो सो बैठ सकेंगे। इनका दूसरा सपना था, यानी कि जो गुलाम है, यानी कि जो निग्रोज है, ब्लैक लोग है, उसका बेटा और जो व्हाइट है उसका बेटा, सब एक साथ है कि एक साथ जो है सो जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पे बेंच लगा के साथ में जो है सो बैठ सकेंगे। अब तक इतना भेदभाव था कि कोई व्हाइट ब्लैक को नहीं देखना चाहता था और कोई ब्लैक जो सो व्हाइट को नहीं देखना चाहता था। हालांकि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मैं तो व्हाइट को पसंद करता हूं, मैं व्हाइट से नफरत नहीं बल्कि उसे पसंद करता हूं, पता नहीं ब्लैक मुझसे क्यों नफरत करता है, ये व्हाइट मुझसे क्यों नफरत करता है, ये मार्टिन लूथर किंग का कहना था। और मार्टिन लूथर किंग भी जो थे वो ब्लैक ही थे। तो इनका दूसरा सपना था कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पे सब जो है सो क्या कर सकेंगे, एक साथ बैठ सकेंगे, ये दूसरा सपना था। उसके बाद तीसरा सपना उसका होता है, वो कहते हैं कि मिसिसिपी जो एक मरुस्थल राज है, डिजर्ट राज है, यानी मिसिसिपी एक जगह का नाम है, एक राज्य है, जिस तरह से आपके देश में एक राज्य है राजस्थान, तो ये एक डिजर्ट एरिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा मरुस्थल ही है। तो मरुस्थल में जानते हैं डिजर्ट एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वहां पे उनका ये कहना था कि मिसिसिपी में गर्मी जो है वो किसकी है, अन्याय की गर्मी है, अन्याय का वहां पे दमन है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही अन्याय है, लेकिन एक दिन आएगा जब वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा और वो जो है इनजस्टिस से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, जस्टिस ही होगा, न्याय ही न्याय होगा, वहां पे अन्याय की गर्मी नहीं रहेगी। ये जो इनका तीसरा सपना था। चौथा उनका सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे चार बेटे, यानी कि उसके चार बेटे थे, चार बेटे में से उनके पहले बेटे का नाम था योलांडा, दूसरे बेटे का नाम था मार्टिन, तीसरे बेटे का नाम था टेक्स्टर और चौथे बेटे का नाम था बर्नाइस। और एक चीज मैं बताना भूल चुका हूं, उसकी वाइफ जो थी कोरेटा स्कॉट, तो कोरेटा स्कॉट जो है सो वाइफ थी, वाइट थी। और उस समय उसके मार्टिन लूथर किंग के जो बहुत सारे दोस्त रहते वो कहते हैं भाई इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं, तुम वाइट से शादी मत करो, शादी मत करो, लेकिन वो शादी करते हैं और उसकी जो बीवी रहती है, वाइफ जो रहती है, एक अच्छा हाउसवाइफ बनती है, अपने बेटे का अच्छे से टेक केयर करती है। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरे जो चार औलाद है, मेरे जो चार बेटे हैं, वो एक ऐसे राष्ट्र में रहेगा जहां पे उसकी पहचान उसके स्किन से नहीं की जाएगी, उसके चमड़े के रंग से नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी पहचान जो है उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से जो है, चरित्र के गुणों से जो है सो की जाएगी, जो शायद बहुत अच्छा पॉइंट था। और आज अमेरिका में शायद वहां पे ये जो पहचान है वो रंग से नहीं बल्कि वहां के गुण से, उसके कैरेक्टर के गुण से पहचान है। तो कहते कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जहां पे मेरे बेटे की पहचान जो है उसके स्किन के रंग से, कलर से नहीं होगी बल्कि उसके चरित्र के गुणों से होगी, उसका गुण कैसा, उसका कैरेक्टर कैसा है। और बात बिल्कुल सही बोले थे और शायद आज अमेरिका वैसा बन चुका और आज अमेरिका में ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इनका ये पांचवा सपना था, चौथा सपना था। और पांचवा सपना है, वो कहते हैं कि अल्बामा, अल्बामा में जो गवर्नर के मुंह से, राज्यपाल के जो मुंह से अशब्द की भाषाएं निकलते हैं, ये नेग्रोस के खिलाफ में जो शब्द निकलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब अल्बामा में काले छोटे लड़के लड़कियां, व्हाइट छोटे लड़के लड़कियां, भाई बहन की भांति हाथ में हाथ डाल करके अल्बामा में एक साथ जो सो घूम सकेंगे और वहां पे कोई अन्याय नहीं होगा। शायद वो दिन अमेरिका में आ चुका है और जो सपना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वो सपना भी पूरा जो है सो हो चुका है। छठा सपना कहते हैं कि मेरा एक सपना है, सपना ये कि एक दिन जितने भी ऊंच नीच जो जगह है सबको समतल कर दिया जाएगा, ऊबर खाबर को बराबर कर दिया जाएगा और भगवान की महिमा को उतारी जाएगी, भगवान की महिमा को प्रकट की जाएगी और सब लोग एक साथ होकर के, एक साथ इकट्ठे होकर के उनका दर्शन जो है सो कर पाएंगे। तो ये पांच छह जो उनके सपने थे जो किताब में जो है सो यूज किया गया हुआ और अपने भाषण में जो है सो कहे थे। और अंत में अपने भाषण में वो कहते हैं, अब अंत में क्या कहते हैं कि अगर अमरीका महान राष्ट्र बन, अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो
तो यह पूरा होनी चाहिए। यानी मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो यह पूरा होनी चाहिए। क्या पूरा होनी चाहिए? तो वो कहते हैं न्यू हैम्पशायर की पर्वतों से, न्यू हैम्पशायर की पर्वत चोटियों में स्वतंत्रता गूंज उठे। यानी उनका कहना कि अमेरिका अगर महान राष्ट्र बनेगा तो आजादी स्वतंत्रता कहां से गूंजेगी? न्यू हैम्पशायर के पहाड़ों से। न्यू हैम्पशायर जो है पहाड़ का नाम है, तो कहते हैं वहां से आजादियां गूंज उठेगी। न्यूयॉर्क के पहाड़ों से आजादियां गूंज उठेगी। कैलिफोर्निया के बर्फ वाले पहाड़ों से आजादियां गूंज उठेगी। कैलिफोर्निया जो अमेरिका में बर्फ वाला इलाका है, तो कहते हैं कैलिफोर्निया में जो पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम रॉकीज पहाड़ है, उस पहाड़ से आजादियां गूंज उठेगी। यानी वो कहते हैं टेनेसी के लुकआउट पहाड़ से आजादियां गूंज उठेगी। मिसिसिपी के हर छोटे बड़े राज्यों से आजादियां गूंज उठेगी। पेनिसिल्वेनिया की एलेगनीज पहाड़ से आजादियां गूंज उठेगी। यानी कि जब अमेरिका महान राष्ट्र बनेगा तो उसको ये होनी ही चाहिए कि हर जगह से आजादियां गूंज सके और सभी पहाड़ पे से सभी पहाड़ियों पे एग्नी व्हाइट और ब्लैक हाथ में हाथ जोड़ कर करके ये गा सकेंगे हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। और शायद वो चीजें अब देखने को जो है सो मिल रही है। अब वो भेदभाव नहीं है अमेरिका में, जो भेदभाव जो सो पहले थी। चलिए आप लोग को जो है सो मैं इस समरी को समझा लेता हूं, जो समरी आपको बोर्ड एग्जाम में जो है सो लिखना है। और ये समरी मैं पीडीएफ से ही पढ़ रहा हूँ। ये पीडीएफ अगर आप लोग के पास नहीं तो ये पीडीएफ आप लोग बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, क्योंकि अभी ये तो समरी आप लोग सब कुछ समझे जाने, पूरा चैप्टर को जाने समझे, लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो क्या लिखना है, समरी लिखना है। और समरी आपको याद रखना होगा, याद करना होगा, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना होगा। बहुत ही अच्छे से मैं वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए समरी जैसे तैयार किया हूं। तो चलिए हम लोग समरी को समझते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963। यानी आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल हॉल में 1963 ईस्वी में जो है सो दिया गया है। He was born on 15th January 1929. इनका जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ है। He was influenced by Gandhi ji and also supported non-violence and got Nobel Prize in 1964. ये भी जो है ये मार्टिन लूथर किंग जो थे वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे और ये भी नॉन वायलेंस को यानी कि अहिंसा को फॉलो करते थे, अहिंसा के रास्ते पे चलते थे और इनको नोबेल प्राइज जो मिला था 1964 ईस्वी में मिला था। इन दिस स्पीच ही राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट एज अमेरिकन गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ देम। इस स्पीच में उन्होंने अमेरिकी सरकार खिलाफ आवाज उठाया है, जैसा कि अमेरिकी सरकार जो है, अमेरिका की सरकार जो है वो नेग्रोज के पक्ष में नहीं थे, ब्लैक पीपल के पक्ष में नहीं थे। एक्चुअली 100 इयर्स एगो, एक्चुअली 100 साल पहले द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन साइंड द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। 100 साल पहले अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन कर दिया। दिस प्रोक्लेमेशन फ्रीड ऑल द नेग्रो स्लेव्स। और ये प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा पत्र जितने भी नेग्रोज गुलाम हैं, काले लोग जो गुलाम हैं, उसको आजाद कर दिया, उसको सब अधिकार दे दिया गया। बट 100 इयर्स लेटर नेग्रोज आर नॉट फ्री। लेकिन 100 साल बाद भी नेग्रोज फ्री नहीं है। They live in ghettos and find no justice. वो आज भी जैसो गंदी बस्ती में रह रहे हैं और कोई अधिकार उनको नहीं मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। He says that they have to live life of deported person. Now they are native. उसको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जैसे कि वो बाहरी हो, हालांकि वो क्या है, नेटिव है, वहीं के नागरिक हैं। आगे कह रहे, He says that Negroes can't wait any longer. आगे वो कहते हैं कि Negroes अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। The movement will continue unabated till the Negroes give justice. और ये movement जो है वो लगातार जारी रहेगा जब तक कि Negroes को आजादी नहीं मिल जाए। Martin Luther has a dream that one day Negroes will get freedom. Martin Luther का एक सपना है कि Negroes को एक दिन आजादी मिलेगी। He has a dream that one day all of them, black people and white people, will sing together. We are free, we are free, we are free. एक दिन ऐसा आएगा जितने व्हाइट और ब्लैक पीपल है हाथ में हाथ जोड़ करके एक साथ गाएंगे हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। तो ये आपको चैप्टर था
मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखी गई आई हैव अ ड्रीम, जो बहुत ही एक अच्छा चैप्टर था, एक ऐतिहासिक चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।